नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसी न्यूज और कोरोना अपडेट के साथ मैं हूं निशा कश्यप। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 7051 नए मामले सामने आए, 374 लोगों की जान गई, जबकि 6960 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 775 की कमी आई, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 77516 पर पहुंच गया। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 27383 मामले सक्रिय हैं, वहीं महाराष्ट्र में 11578, पश्चिम बंगाल में 7433, कर्नाटक में 7146 और तमिलनाडु में 6879 मामले अभी भी सक्रिय हैं। इस बीच एक नई जानकारी सामने आई है जिसने चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले महीने सामने आए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। इस वेरिएंट से पहले डेल्टा तबाही मचा रहा था, लेकिन अब एक और वेरिएंट सामने आ गया जिसका नाम डेल्मिक्रॉन बताया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के पीछे भी इसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेल्मिक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संयोजक है और अधिक तेज से ही फैलता है। महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने बताया, डेल्टा और ओमिक्रॉन के ट्विन स्पाइस डेल्मिक्रॉन के कारण यूरोप और अमेरिका में संक्रमण के मामलों की एक छोटी सुनामी आई है। उन्होंने आगे कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया की बाकी देशों में तेजी से डेल्टा वेरिएंट की जगह ले रहा है। ये तो थी पूरे दिन की कोरोना और ओमिक्रॉन अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहे एचसी न्यूज। धन्यवाद।